अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज आपको भी किचन टिप्स में बताऊंगी कि फ़िश के अंडे हैं, ये देखिए ये फ़िश के अंडे हैं। तो ये एक इस तरह मैं इनको वॉश करना बताऊंगी आपको कि आपको मछली के अंडे किस तरह से वॉश करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से एक पतली झिल्ली में होते हैं। आपको शायद ये झिल्ली दिखाई नहीं दे रही होगी या दिख भी रही होगी तो ये देखिए इस तरह से एक पतली झिल्ली में होते हैं। हमने इनको नमक डाल के पानी में थोड़ी देर रख के अच्छे से धोना है और फिर हम इनको जब बनाएंगे तो इनको पहले हम बॉईल करेंगे तो ये झिल्ली बॉईल करते समय फट जाएगी। तो अच्छे से सारे अंडे बॉईल हो जाएंगे और ये देखिए ये हैं फिश के अंडे। अच्छे से ये देखिए हमने जो अंडे दिखाए थे आपको मछली के, तो आधे घंटे में पानी में भिगोया है। और ये देखिए ये इसकी छिल्ली है, इसको हमें अच्छे से को वॉश करना है एक चन्नी स्ट्रेनर पर रखकर। और ये देखिए ये जो भी इसका ब्लड है या जो भी इसमें लाल लाल लगा है आपको हाथ से देखिए कितना ईजी निकल गया है। बस आपको भी इसी तरह से करना है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ इसमें नमक डालना है, नमक सारा आपका जो भी ब्लड है निकाल देगा। तो देखिए अब आपने देखा कि हमें किस तरह से हमारे मछली के अंडे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जो मछली के अंडे थे जो मैंने आपको वॉश करना दिखाए थे ये बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं। हमने इसमें कोई नमक ना नींबू लगाया है, अब सिर्फ ऑलरेडी हमने सिर्फ इनको सिर्फ वॉश करके और अब हम इनको फ्रिज में रख रहे हैं कवर करके। अगले दिन जब आप बनाएं तो सिर्फ इनको फिर आप इनको बॉईल करें और इसकी झिल्ली निकल जाएगी। और आपको मेरी अंडों की रेसिपी, फ़िश के अंडों की रेसिपीज देखना है तो मेरे चैनल पे डाली है, तो आप वहाँ जाइए और फ़िश के अंडे निकालिए फ़िश के, तो वहाँ आपको मेरी रेसिपीज निकलेगी पकी हुई, तो आप पकाने का तरीका भी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही नई टिप्स के साथ, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तो आप हमें दुआ में याद रखिए। तो चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।